जैसा कि आप सबों को पता ही होगा कि कल आरसीबी और गुजरात के बीच महामुकाबला था और यह मैच आरसीबी के नज़रिया से देखा जाए तो आरसीबी के लिए इतना महत्वपूर्ण था जितना शरीर के लिए खाना। जी हाँ, मैं एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि आरसीबी अगर ये मैच को जीतता तभी वो क्वालिफाई करता, अगर आरसीबी ये मैच हार जाता तो मुंबई क्वालिफाई कर जाता। लेकिन क्या बताएं, क्या कहा जाए आरसीबी के बारे में। आरसीबी तो भाई आरसीबी है, नसीब में कहावत है एगो कि नसीब में रहेगा भोरहा तो कहाँ से मिलेगा भोरहा, वही हालत है, सेम हालत है आरसीबी का। ये चाहता है कि हम सिर्फ 4 प्लेयर लेकर कप ले आएंगे। अब अच्छा अच्छा प्लेयर है 4 KGF, कोहली, गैरेन मैक्सवेल, फक दुप्लेसी, एगो एस सिराज है इसमें, मतलब 4 अच्छा प्लेयर, लेकिन 7 ये जो है गली क्रिकेटर ले लीजिए, किसी को भी खिला दीजिए, टीम पर कोई भी पर क्या कहते हैं उसको इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं। ये जो 4 प्लेयर को छोड़ के बाकी गली क्रिकेट को खिला दीजिए, टीम को इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं। और दूसरे तरफ बात करें तो हार्दिक पांड्या की टीम जो कि बहुत अच्छे फॉर्म में है और पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं, अगर उसके नज़रिया से देखा जाए तो ये मैच उसके लिए कुछ था ही नहीं। अगर वो जीतते तो फिर भी वो क्वालिफाई पहले ही कर चुके थे उस और 1 पे ही हो रहे थे। लेकिन सुमन गिल को तो अपने ससुर जी को, गर्लफ्रेंड को, साले को, उनके टीम को क्वालिफाई कराना था तो रुकने वाले थे नहीं। मात्र 52 पर 104 बनाकर कोहली जो शतक बनाए थे, क्योंकि कोहली ही गोली की रफ्तार में रन बनाए थे, लेकिन फीका पड़ गया उसके आगे। शुभम गिल जिसका साले हुआ सॉरी जो अपने क्या कहते हैं गर्लफ्रेंड के लिए इतना अच्छा शानदार पारी खेल दिया कि मात्र 52 पर 104 बनाकर आरसीबी को बाहर कह दिया। ऐसे भी आरसीबी को लिखा ही नहीं है कप, क्योंकि मात्र 4 प्लेयर लेकर कौन कप ले सकता है, मुमकिन ही नहीं है। अब देखा जाएगा 2024 में, 16 साल तो गया आरसीबी का, 17वां साल क्या होगा।